हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे 2.2 ज्यामितीय आकृतियाँ। सो गाइज, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्यामितीय आकृतियाँ क्या क्या होती हैं, उसके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, ज्यामितीय आकृतियों का मतलब सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आइए चले देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रत्यय बताए थे गणित के, और अब हम ज्यामितीय आकृतियाँ देखेंगे। सो ज्यामितीय आकृतियाँ क्या होते हैं, हम पहले चलते हैं सबसे छोटी चीज से, जो होती है हमारी बिंदु। बिंदु क्या होती है? बिंदु जिसमें ना कोई लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना मोटाई होती, जिसकी उपस्थिति नहीं होती, केवल उपस्थिति का आभास होता है। बिंदु हम ऐसे करके नहीं लगाते, बिंदु जस्ट पॉइंट, दिस इज बिंदु। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेखा या सरल रेखा। ये रेखा लंबी और अनिश्चित होती है, दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है परंतु घटाई नहीं जा सकती, जिसके दो अक्ष होते हैं, जिसे इसे दो अक्षरों से डिनोट किया जाता है, ए एंड बी। ये होती है हमारी रेखा। नेक्स्ट देखते हैं हम वक्त। दोनों सिरों से खींचने पर एक सिरे से झुक जाती है और दूसरे से सीधी रहती है, ये होती है हमारी वक्र रेखा। फिर आती है हमारी समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? जैसे ए बी और सी डी, ये दोनों के बीच में समान गैप होता है, ये चाहे कितनी भी बढ़ाई जा सकती है लेकिन इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो समान होता है। फिर फिफ्थ है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड दो निश्चित बिंदु होते हैं, इसकी लंबाई भी निश्चित होती है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। सो इसकी लंबाई निश्चित है, ये यहीं तक रहेगी, इस लंबाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। ओके, रेखाखंड और सरल रेखा में यही डिफरेंस है, सरल रेखा को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं लेकिन रेखाखंड को हम बढ़ा नहीं सकते, इसके लंबाई निश्चित होती है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है किरण। किरण किरण का हम देखते हैं। किरण क्या होती है? किरण होती है हमारी रेखा का वह भाग जो एक दिशा में असीमित दूरी तक फैला हुआ होता है, किरण कहलाता है। एक सिरा सीमित होता है और दूसरा असीमित होता है। जैसे सूर्य की किरण निकलती है तो वो सूर्य से स्टार्ट होकर अन्य दिशाओं में फैलती जाती है और इतनी दूरी तक फैलती है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मैंने कुछ दिखा रखा है, ये ऐसा डायग्राम है जहाँ पर हमें कितनी किरण है ये बतानी है, कहाँ पर कौन सी किरण जा रही है, ये एक एक्सरसाइज है एक तरह से। सो आप ये भी बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सी किरण किस तरफ जा रही है, दायां बायां सिखा सकते हैं और दिशाएं भी सिखा सकते हैं इस चीज़ से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं रेखा कोण। रेखा कोण क्या होते हैं? रेखा कोण क्या होते हैं? दो कोण एक आध्य बिंदु से भिन्न दिशाओं में निकलकर एक कोण निर्माण करते हैं। अब रेखा कोण क्या होता है? एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु तक ये क्या पहुंचाते हैं? एक कोण निर्मित करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ये मैंने एक डी के टाइप का बना दिया है और इसमें मैंने बताया है न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, जीरो से ज़्यादा होता है। ओके, और फिर हमारा समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण क्या होता है, जो 180 से कम का होता है लेकिन 90 से ज़्यादा का होता है। और 180 का ये मैंने बताया सरल कोण, जिसे कहते हैं सरल कोण, जो 180 का होता है ये पूरा डी एक तरह से। फिर अर्धवृत्त कोण बताया है यहाँ पर, ये क्या होता है, जो 180 से अधिक होता है बट 360 से कम होता है, ये मैंने कोण इस तरह बताया है। आप भी बता सकते हैं, डी का भी यूज़ कर सकते हो आप जब बच्चों को पढ़ाने जाए तो, आप छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों को दिखाई जा सके, जैसे कि अधिगम TLM के रूप में अपने पास रख सकते हैं। ओके, फिर आता है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज क्या होते हैं? तीन असंरेखीय बिंदु को मिलाने से बनने वाली बंद आकृति, जिसे जिसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोणों का योग कितना होता है? 180। सो ये क्या होते हैं? हमारा त्रिभुज होता है। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? त्रिभुज के प्रकार होते हैं विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में स्केलेटन और आइसोलेशन इक्विलिब्रियल समबाहु। सो इसमें क्या डिफरेंसेस है? विषमबाहु किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं, देखते हैं। विषमबाहु हम कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, ये भुजा अलग है, ये भुजा की लंबाई अलग है और इस भुजा की लंबाई अलग है। समद्विबाहु क्या होते हैं? जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, और जैसे ये दोनों भुजाएं समान हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती है और एक अन्य नहीं होती। और समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, वो होता है हमारा समबाहु। अब कोणों के आधार पर हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, न्यून कोण और समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण को कहते हैं एक ट्रायंगल और समकोण को कहते हैं राइट ट्रायंगल, अधिक कोण को कहते हैं ऑब्टियूज। ओके, सो न्यून कोण में क्या होता है? तीन जो त्रिभुज होता है उसके तीनों तरफ न्यून कोण होते हैं, तीनों सिरों पर न्यून कोण होते हैं। समकोण पर समकोण त्रिभुज निर्मित होता है जहाँ पर एक समकोण होता है, और अधिक कोण वो होता है जिसमें एक अधिक कोण बना होता है, जो 180 से छोटा होता है, 90 से बड़ा होता है, वो होता है हमारा अधिक कोण। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चार रेखाखंडों से बंद बनी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज।
क्वाड्रिलेटर। ओके, फिर हम देखते हैं आयत किसे कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक पैर 90 डिग्री का कोण हो। अब हमें आयत कैसे सिखाना है, बच्चों को ऐसे बताना है कि जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है और दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बच्चों को बताएंगे, किससे बताएंगे, ए बी प्लस बी सी। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, जो हमारा ये आयत है उसकी चारों भुजाओं का योग कितना होगा, वो होता है परिमाप। ओके, सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हैं आप इसे इंग्लिश में, सॉरी। अब इसमें हम बताएंगे, फॉर्मूला निकाल के बताएंगे बच्चों को। शुरुआत में बच्चों को बताते हैं किस तरह फॉर्मूला, फिर वो उनके लिए स्थिर हो जाता है। बच्चों को जब बेसिक पता होता है कि ये फॉर्मूला किस तरह निकला, तो उनके दिमाग में ये स्थिर हो जाता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, अब हम इसे ए बी प्लस सी डी कर लेंगे, ए डी प्लस बी सी कर लेंगे। अब बी काट देंगे इसे, सॉरी जोड़ देंगे इसे, सो बी बी ए ए, सो टू बी और टू ए हो गए। ये हमारा हो गया टू ए बी। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, टू ए प्लस बी। सो गाइज, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, टू ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हो गया आयत का परिमाप का फॉर्मूला। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सो हम इसे पहले डिवाइड कर लेंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हमने वही यूज़ किया है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो इसे डिवाइड कर लिया है, इसे हम दो त्रिभुजों में बांट लेंगे जिसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या आएगा निकल के, ए इंटू टू ए इंटू बी। फिर पैरेललोग्राम पर चलते हैं हम, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है और सम्मुख कोण समान होते हैं, वो उसे कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का सेम वो है, टू ए प्लस बी फॉर्मूला परिमाप का। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी, क्षेत्रफल अलग है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है और सारे कोण समान होते हैं। तो हम इसे किस तरह निकालते हैं, 1/2 इसे हम दो त्रिभुजों में डिवाइड करेंगे, 1/2 अब मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू हाइट, और फिर ए प्लस सॉरी 1/2 इंटू डी सी प्लस एच, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सो हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आया, ए इंटू एच, ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके गाइस, नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ग। वर्ग क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण 90 डिग्री के हों। वर्ग इस तरह बनता है, आपने डब्बा देखा होगा एक, तो वो हम उसे वर्ग ही कहते हैं। ओके, सो इसकी चारों भुजाएं समान होते हैं, इसलिए हमारा परिमाप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4a, क्या बन जाएगा, 4a। और फिर हम इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी तरह हम हर चीज़ को हम ट्रायंगल में डिवाइड करके उसका फॉर्मूला निकालना बताएंगे बच्चों को, 1/2 ए बी इंटू ए डी हाइट इंटू बेस। ओके, तो लास्ट में हमारा फॉर्मूला निकल के ये आता है ए स्क्वायर, जो कि वर्ग का फॉर्मूला होता है। ओके, अब आते हैं हम वृत्त पर। वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से कंपास के द्वारा त्रिज्या लेकर एक आकृति बनाई जाती है, जिसे वृत्त कहते हैं। अब हम कुछ त्रिज्या लेके एक बिंदु से स्टार्ट करके दूसरे बिंदु तक लाते हैं, उसी बिंदु तक लाते हैं जिसकी कुछ त्रिज्या होती है, सो उसे हम कहते हैं वृत्त। अब वृत्त में क्या क्या चीज़ होती है, ये हो गई हमारी त्रिज्या आर, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से, रेडियस कहते हैं इंग्लिश में। अगर हम इसे पूरी लाइन काट दें तो ये होता है हमारा व्यास, जिसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। ये होता है जैसे आर हो गया, तो इसे हम कहते हैं 2r। अब वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट, सो ये पार्ट होता है हमारा सेगमेंट। अगर हम इधर लाइन खींचते हैं, जैसे ये हो गया और हम इधर लाइन खींचते हैं, तो ये एक वृत्त का थोड़ा सा पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। ओके, फिर हमारा त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड क्या होता है, जैसे ये हमारा व्यास हो गया और ये हमारी त्रिज्या हो गई, तो ये जो पार्ट होगा ये होगा हमारा त्रिज्याखंड। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, जिसे हम सेक्टर कहते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू वृत्त की परिधि और त्रिज्या। तो परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr इंटू में त्रिज्या क्या हो गई, r। सो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2 से 2 कट गया और ये हमारा आ गया πr स्क्वायर। सो ये होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम आते हैं 2.3 पे।
सो गाइज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करा था मैंने ये, सो ये वाला पार्ट थोड़ा लेंदी है। सो आइए चले देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समिति। समिति होता है हमारा 2.1 है ये। समिति का मतलब होता है जैसे हम कितनी लाइन से एक भाग या फिर एक आकृति को सेम पार्ट्स में डिवाइड करना, वो हो जाता है हमारा समिति। अब एक समितीय रेखा जिससे हम एक समितीय रेखा क्या होता है, एक रेखाकार है जिससे दो पार्टों में इस तरह डिवाइड हो जाए कि वो समान आए। सो अल्फाबेट में आ जाता है और ये आता है पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछ लिया जाता है। समिति आ जाता है या ट्रांसलेशन आ जाता है, अभी ट्रांसलेशन भी बताती हूँ, पहले हम देखते हैं समिति क्या होता है। जैसे अल्फाबेट में पूछ लेते हैं कौन कौन से अल्फाबेट वन समितीय होते हैं, तो बी होता है, ए होता है। अब बी का है, बी हमारा इस टाइप बनता है। अब हम एक ऐसी रेखाकार हैं जिससे ये सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, सो हम यहाँ बीच से काट देते हैं तो ये दोनों भाग समान होते हैं। सो इसी तरह सी होता है, सी को बीच से काटेंगे ये ऊपर नीचे दोनों पार्ट समान होंगे। डी भी है, ई ई सबसे अच्छा टॉपिक है, ई सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर हम ई को बीच से काटेंगे तो क्या होगा, सेम यही आएगा। और कुछ अन्य भी है जैसे यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू, एम, जिसे हम वन समिति रेखा के अल्फाबेट कह सकते हैं। और कुछ आकृति भी हो गई जैसे कि त्रिभुज हो गया, त्रिभुज को बीच से काटेंगे सेम पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, इसे भी हम बीच से डिवाइड कर सकते हैं, सेम उसमें बटेगा। डी हो गया, डी को भी हम सेम वन समिति कह सकते हैं। अब दो समिति क्या होता है, दो समितियों में हमारा आ जाता है, क्या आता है हमारे दो समितियों में, एक तो आ जाता है वर्ग आ जाता है, आयत भी आ सकता है, और ये एच आ जाता है। दो समिति मतलब दो रेखाकार ऐसे के समान भागों में डिवाइड हो जाए। अब इसमें एच आ जाता है, एच को बीच से काटेंगे सेम आएगा। आई आ जाता है, आई को बीच से काट सकते हैं। अब इसी तरह आ जाता है हमारा वाई भी आ जाता है, सॉरी वाई नहीं, एक्स, एक्स आ जाता है जिसे हम काट सकते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं तीन समितीय रेखाएं। तीन समितीय रेखाओं में हमारा त्रिभुज भी आ सकता है, और चार समितीय रेखाओं में हमारा आयत या फिर वर्ग का हम यूज़ कर सकते हैं चार समितीय। और अनेक समितीय रेखाएं क्या हो जाती हैं, हमारा ओ हो जाएगा अल्फाबेट में, और वृत्त हो जाएगा या गोला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अनेक समितीय। इसमें से हम कितनी भी रेखाएं क्रॉस कर सकते हैं, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये सेम ही जाएगा। फिर हमारा आ जाता है कोई समितीय रेखा नहीं, जिसमें हमारे कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं, एफ होता है, जी होता है, जे होता है, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, जेड। सो गाइज ये याद रखेगा, पूछ लेते हैं जैसे क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है कि ऐसे अक्षर बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के जो असमितीय रेखा है, मतलब कोई समितीय रेखा नहीं होती जिसमें, और समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समलंब हो गया, ये ऐसे हैं एग्जाम्पल्स है जिसमें समितीय रेखा नहीं होती। ओके, ट्रांसलेशन देखते हैं हम। निश्चित ट्रांसलेशन, निश्चित ट्रांसलेशन क्या होता है, एक ऐसी आकृति जो प्रॉपर मतलब समबाहु के पैटर्न से बना ट्रांसलेशन नियमित ट्रांसलेशन है। अब ट्रांसलेशन क्या है, जो सारी तरफ से कवर होता है, ठीक है। जैसे ये आकृति दिखा रखे है हमने, ये त्रिभुज सारी तरफ से कवर हैं और एक ही डिज़ाइन से बने हुए हैं। जैसे इसमें हमने त्रिभुज त्रिभुज का यूज़ किया हुआ है, इसमें हमने वर्ग का यूज़ किया हुआ है, इसमें षटभुज का यूज़ किया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे निश्चित। ओके, फिर अर्ध नियमित ट्रांसलेशन, जो दो या दो से अधिक बहुभुजों से बनता है। इसमें बहुभुज क्या होंगे, पहले एक आयत ले लिया जो दो बहुभुजों से बनता है, वर्ग हो गया और त्रिभुज हो गया। अब ये दो या दो से अधिक बहुभुज का यूज़ होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, अर्ध नियमित ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं 2.4 पे। सो आई होप आपको ये समझ आया हो ट्रांसलेशन क्या होता है, और ये बहुत इजी है, आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। सो इसे ज़रूर करिएगा, इसे छोड़ के बताइएगा। 2.4 देखते हैं हम, सेम आ गया हमारा समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख कोण समान होता है। अभी हमने ऊपर इसका फॉर्मूला परिमाप देखा और क्षेत्रफल किस तरह आता है। परिमाप होता है हमारा 2(a+b) और क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई a × h। अब सम चतुर्भुज क्या होता है, जो पतंगाकार बंदाकृति होती है, जो चारों भुजाएं समान हो, जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित हों, चारों कोणों का योग क्या हो, 360। सो हमारा सम चतुर्भुज कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है पतंग की आकृति का, ओके, जिसके कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण बने होते हैं हर जगह चारों भागों में। इसके परिमाप क्या होगा, ये एक तरह से वर्ग समझ लीजिए आप, जिसे रोम्बस कहते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम 1/2 विकर्ण, फिर दूसरा पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, इसे त्रिभुजों में डिवाइड कर देंगे, इसलिए हम पहला विकर्ण इंटू सेकेंड विकर्ण। सो ये हमारा फॉर्मूला बन जाए 1/2 इंटू d1 × d2। ये याद रखना आप, रोम्बस का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह निकलता है। अब आ जाता है हमारा समलंब चतुर्भुज, ट्रैपिज्म, जिसमें क्या होता है, दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, दो अन्य भुजाएं असमांतर होती है। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, आपको दिख रहा होगा,
इस टाइप का होता है जिसका परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी मात्रक, ओके। और क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, इसमें हाइट भी आ जाती है, हाइट जुड़ जाती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम घनाव, देखते हैं घनाव क्या होता है। तीन विमाएं डायमेंशन, विमाएं होती है डायमेंशन, ओके। हिंदी में हम समझ नहीं पाते विमाएं क्या होती है, तो आप याद रखना इंग्लिश में डायमेंशन होती है। पहली बंद ठोस नियमित आकृति जिसे घनाव कहते हैं। घनाव के कुल कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 6 समतल पृष्ठ होते हैं, और इसका क्षेत्रफल हो जाता है हमारा 2a into b, 2b into h, 2h into l। ये फॉर्मूला निकालेंगे हम इस तरह, फिर हमारा बन जाएगा 2ab, 2bh, 2hl, lh। सो 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा क्या रह जाएगा ab, सॉरी lb प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, और फिर लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा सॉरी आधार गुणा ऊंचाई, और ये हो जाएगा हमारा लंबाई गुणा ऊंचाई। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा घनाव का। अब इसी तरह हम देख घनाव का आयतन क्या होता है, घनाव में आयतन पूछ लेते हैं, तो ये क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर घन आ जाता है, घन सेम होता है घनाव का, बस इसमें कुछ डिफरेंस होता है, वो क्या होता है देखते हैं। घनाव एक घन एक घनाव होता है जिसके किनारे परस्पर बराबर होते हैं, सभी पृष्ठ भी समान होते हैं। घन के 12 किनारे होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं, और इसका घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजाओं का स्क्वायर, ओके। और घन का आयतन होता है 1 ही क्यूब। फिर हम देखते हैं बेलन, बेलन ऐसा नियमित बंद ठोस आकृति है जिसकी दो पृष्ठ समतल तथा एक तल वक्र तल होता है, जिसके तीन पृष्ठ तल होते हैं, दो गोलीय किनारे व दो शीर्ष शून्य होते हैं। जैसे कि अगर हम खाली गोला लें तो दो शीर्ष मिलेंगे जो कि खाली होंगे, लेकिन अगर हम इसे बंद कर देंगे तो वो बंद पृष्ठ हो जाएगा, ओके। सो ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को, आगे तक के लिए बच्चे समझ नहीं पाते इसे किस तरह सॉल्व करें, तो आप बचपन से मतलब बता सकते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि ये इस तरह होता है। पाइप का यूज़ कर सकते हैं आप बच्चों को समझाने के लिए, या कुछ अन्य डब्बे का यूज़ कर सकते हो। सो इसमें त्रिज्या होती है आर, ऊंचाई होती है एच, वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोलीय भाग का क्षेत्रफल, आधार का पिछली परिधि, और कुल छल्लों की संख्या। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला बनकर 2πrh। ये तो हमारा खाली वक्र। अब हम बंद देखते हैं, बंद का क्या आता है, इसमें हमारा क्या बढ़ जाता है पाई आर मतलब ढक्कन का क्षेत्रफल और जुड़ जाता है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाता है 2πr ब्रैकेट में एच प्लस आर, एक आर बढ़ जाती है, ओके। बेलन का आयतन देखते हैं हम, बेलन का आयतन हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू बाय एच, ओके, ये हो जाएगा आयतन। अब आ जाता है हमारा शंकु, शंकु क्या होता है जोकर की टोपी, आपने जोकर की टोपी तो देखी होगी जरूर। एक लंबे वृत्त ठोस बंद एवं नियमित आकृति, एक शंकु जो केवल दो तल होते हैं, दो पृष्ठ तल होते हैं और एक किनारा और एक शीर्ष होता है, ओके। इसका क्षेत्रफल आता है हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और आयतन हो जाता है हमारा 1/3 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। इसका फॉर्मूला ये बन जाता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा शंकु का आयतन। फिर आता है हमारा गोला, गोला एक गोला बंद ठोस व नियमित आकृति वाला गोला कहलाता है, जो ठोस होता है, जैसे बॉल ले लीजिए, बॉल ठोस होती है, और बॉल को हम क्या कहेंगे, एक तरह से गोला कहेंगे, या फिर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए जो बंद हो, गोल हो और ठोस हो, जैसे हम क्या कहेंगे गोला। इसका कोई किनारा नहीं होता और ना कोई शीर्ष होता। इसका क्षेत्रफल किस तरह निकलते हैं हम 4πr स्क्वायर, वृत्त का क्या होता है πr स्क्वायर, और गोले का क्या होगा 4πr स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का अर्धगोला जैसे गोला है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको समझ आई हो, थोड़ी सी लेंदी हो गई है, बट मैंने इसमें सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, और हमारी सेकंड यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं लाऊंगी थर्ड यूनिट, और ये एक सीरीज चल रही है। सो आई होप आपको पसंद आ रहे हो मेरे नोट्स, और आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही टॉपिक्स कवर कर रही हूं, जो वैसे तो मैं सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूं, लेकिन मैं आपको बता देती हूं कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।